I told you in the very beginning, the fort was founded in 1156 AD. 12 जुलाई 1156 को इसकी नींव रखी गई। तो 850 साल पुराना मैं कहता हूँ, वो ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आप देख लीजिए। 17 अगस्त 2005 में जो है वो आषाढ़ शुक्ला द्वादशी जो मैंने बोला ना, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो 2005 में कितने हो गए 850 साल, अब 2022 पूरा हो गया, मतलब 867 साल हो गए, 68वां अब चल रहा है। तो ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आपको बता रहा हूँ कि दर्शन में, और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, शी वॉज द गवर्नर ऑफ द राजस्थान स्टेट, लेटर शी बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और ये कुलदेव का मंदिर है, अच्छा, स्वांगिया देवी का। और जैसलमेर इज वेल प्रोटेक्टेड बाय 7 गॉडेस सिस्टर, 7 देवियां। तनोट माता का नाम तो सुना ही है, तनोट के अलावा जो है घंटियारी माता है, राष्ट्रम पड़ता है, काले डूंगर आए, स्वांगिया माव है, नब डूंगर है, देगरा है, पनोदर आए, ऐसी 7 देवियां। करुण कनी माता यहाँ नहीं, अच्छा, वो जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट से बाहर है, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में। तो जैसलमेर जो है ना वो एक शक्तिपीठ भी है 7 देवियों का। और ये छत्रागा यादवपति, ये भगवान श्री कृष्ण की जो है पहचान, जो छत्री जो बनी हुई ना, जी जी जी। ये एक बुर्ज बना हुआ है, ये हिरण है, ये शगुन चिड़ी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शगुन चिड़ी। जो राजा जी का जो घोड़ा होता है ना, घोड़े की जो ये होती है कनौती, यहाँ वहाँ पर शगुन चिड़ी रहती है, नजर न लगे, समझ। तो ये छत्रागा यादवपति यदुवंश की छत्री। अब यहाँ का जो राज परिवार है वो चंद्रवंशी यदुवंशी भाटी राजपूत चलाता है जी दादा। रूलिंग क्लान दो हुई है, चंद्रवंश में कृष्ण का और सूर्यवंश में राम का, राम का, ठीक है ना जी। तो यहाँ का राज परिवार चंद्रवंशी यदुवंशी, फिर भाटी क्यों हो गए, ये भाटी ये सब क्लान ऑफ द चंद्रवंश से, यदुवंश यदुवंश की सब क्लान। मैं आपको ऊपर चल के बनाऊंगा, एक राजा जी भाटी जी हुए, सही बात, वो डोमिनेट हुए तब दाटी होगी। और मैं ज्यादा दूर नहीं, मैं पुरोहित हूँ, ब्राह्मण हूँ, और मैं गोपाल लिखता हूँ। हमारे एक बाबा थे गोपाल जी, वो डोमिनेट हो गए, उनके नाम से जाती हूँ। तो जातियाँ जो है या तो उपाधि से या परिवार में कोई डोमिनेट होता है। आइए बस इधर ऊपर चलेंगे, उससे पहले मैं आपका ध्यान इन फोटोग्राफ पर चाहूँगा। ये राजा जी अब रहे नहीं, 28 दिसंबर 2020 को शांत हो गए। अब ये युवराज हैं, ये राजा हो गए, इधर वाले जो है ना, ये अब ये युवराज कुमार हैं, इनकी शादी अब होगी। तो ये इनके शांत होने के बाद में और जोधपुर के राजा गढ़ सिंह का स्वागत करते हुए, ये सारा व्यू हम ऊपर चल के देखेंगे जी दादा। पूरा शहर एक चिड़िया की आँख को कैसे दिखता है, इट इज लाइक दैट, ये बर्ड्स आई व्यू। और ये किले का नक्शा त्रिकुट पहाड़ी, त्रिकुट पहाड़ी जी। तो ये आपको ऊपर नक्शा देखेंगे हम, आपको लगेगा। और ये बाहर से किला कैसे दिखता है, और ये अमिताभ का स्वागत हो रहा है। अब 1969 में अमिताभ आया, नोबडी वाज नोइंग हिम, समझिए। और फिर उन्होंने उस कविता पर, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती, ही अचीव द बिग बी जी। ये बिग बी कैसे हुआ कि राजा जी स्वागत कर रहे हैं और महल के इस पोर्शन में जहाँ किसी को अलाउ नहीं, ये 6.5-7 फीट के राजा थे जिनका ये टोका रखा हुआ। अब आइए चलिए, ये जो पोर्शन जो है जी, ये शादी ब्याह में और फेस्टिवल में, तो फेस्टिवल में तो यहाँ फैमिली मेम्बर्स दे कैन विटनेस सेरेमोनियल फंक्शन। जो व्हाइट मार्बल थ्रोन जो है ना इधर से, मतलब महिलाएं जेंट्स जो रेस्टोर हुआ है पार्ट, हाँ, ये सारा इंटेक ने तैयार करा है, ये पूरा पोर्शन जो इंटेक ने तैयार करा है। और क्या था ये, हाँ ये, हाँ ये रिचुअल्स होती थी शादी विवाह में, गणेश है, मेहंदी है, संगीत है, देयर आर डिफरेंट रिचुअल्स। और इस बार तो क्या है, युवराज का जो राष्ट्रलोक हुआ वो अंदर में न होकर के इस जगह पर हुआ, इधर आइए। जनरली जो है वो राष्ट्रलोक अंदर में और फिर बाहर आकर के राष्ट्रलोक की सेरेमनी होती थी व्हाइट मार्बल। इस बार क्या, इतना क्राउड था, लोगों की इच्छा थी हम इसको देखें जी। अंदर चैम्बर में न रख करके थोड़ा बाहर मतलब यहाँ पर, और आई विटनेस द सेरेमनी। और मैंने अपने जीवन में दो जो है कोरोनेशन देख ली, इनका भी देख लिया और इनके फादर साहब का भी देख लिया 82 में जी, समझिए। अब मैं चाहता हूँ कि अब तीसरा ना देखना पड़े, इनको उम्र दे, ये हम अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं, कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है वो सिल्वर थ्रोन ला करके रखा गया था, और यहाँ पर कोरोनेशन सेरेमनी ये पूरा भर गया था और लिमिटेड लोगों को पास दिया, तब भी जगह नहीं थी। इसके बारे में क्या चीज़? हाँ मैं ये बता रहा हूँ, ये जो है वाटर कंटेनर रखे हुए हैं, वाटर कंटेनर,
वाटर हार्वेस्टिंग के जी, जी, जी। दूसरा क्या है, इधर में घोड़े रखे हुए अष्टबल है, अष्टबल तो वहाँ फोड़े रहता था, उनके लिए पानी जो है दे कैन ब्रीव वाटर, तो नीचे रास्ता बनाओ पैसेज, और ये पत्थर के कंटेनर है, उस जमाने सिंटेक्स वगैरह नहीं थे, तो बरसात के पानी को सहेजना, और जैसलमेर को जो है ना वाटर हार्वेस्टिंग का जो कंसेप्ट है ना वो पालीवाल ब्राह्मणों ने सिखाया, पालीवाल ब्राह्मण, और जैसलमेर की जो खूबसूरती है जी। उसमें प का बहुत बड़ा योगदान है, जैसलमेर की समृद्धि रही, प्रॉस्पेरिटी रही, उसमें हिंदी अल्फाबेट का जो प है ना उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इट इज़ माई ऑब्जर्वेशन कि जब जैसलमेर की स्थापना हुई, इधर सुनिए, जब जैसलमेर की स्थापना हुई, इकोनॉमिक ऑफ जैसलमेर टोटल डिपेंड्स ऑन पशुपालन, तो पर से पशुपालन, फिर पीले पत्थर ने पहचान दे रखी है, फिर पटुआ जैन व्यापारी है, सिल्क रोड के समय में उन्होंने बहुत कुछ जैसलमेर को दिया, और आर्ट क्राफ्ट जो पत्थर पड़े, फिर पालीवाल ब्राह्मण आए जिन्होंने वाटर हार्वेस्टिंग डैम कंसेप्ट बनाकर, और ये अप टू 1850 तक रहा। 1850 इट वॉज बैड टाइम फॉर जैसलमेर, बॉम्बे पोर्ट एग्जिस्टेंस में आ गया, मैराइन रूट शुरू हो गया, और यहाँ के जैन व्यापारी जो है जब ट्रेड रूट खत्म हो गया धीरे धीरे पलायन करके बाहर चले गए, और जैसलमेर का जो विकास रुक गया। 1850 to 1965 इट वॉज बैड टाइम फॉर जैसलमेर, 1850 to 1965 115 साल। 1965 पाकिस्तान के साथ 63 में वार हो गया, पर से फिर 63 और पाकिस्तान आ गया, समझिए, इट वॉज टर्निंग पॉइंट इन रिगार्ड टू डेवलपमेंट, वीक और द ट्रेन, वीक और द एयरबेस, वीक और द रोड डेवलपमेंट, वीक और द कैनाल, वीक और द टूरिज्म, वीक और द पावर प्रोजेक्ट्स। सो 63 का वार इट इज़ अ टर्निंग पॉइंट इन रिगार्ड टू, तो 63 में पाकिस्तान के साथ वार, पोखरण में परमाणु स्पोर्ट, पर्यटन, पानी कैनाल का, पावर हब, विंड सोलर गैस टर्बाइन, और पर्यटक के रूप में आप पधारे, आप भी का स्वागत। इसलिए ये बड़ा अच्छा लॉजिक होता है आपने पूरे पूरे ये और इसके बाद में पर्यावरण है, प्रदूषण नहीं है, पर्यावरण अच्छा है, प्रदूषण नहीं है। दिल्ली वाली जो पराली नहीं जलती यहाँ पर, क्या दिल्ली वाली पराली नहीं जलती जो पॉल्यूशन करती है, तो जैसे में जो है और इतने सारे पीपल आ रहे हैं जो देखने के लिए, पीपल हाँ भी, तो इसलिए मैं मेहमान से नाम पूछता हूँ, जगह पूछता हूँ, अगर उसमें प होता है तो उसको भी जोड़ देता हूँ, इट इज माई स्टाइल। और ये इंटरलॉक इधर देखिए, तो मैंने इंटरलॉक वाली जो बात कही जी, ये ग्रूव देखी जी, जी, जी। ऐसे जॉइंट हुई है, इसके नीचे होगा ना, मतलब है ना, हाँ ये इसके नीचे, अभी एक और दिखाऊंगा आपको, ये आपको यहाँ हाथ लगा है, ये ग्रूव नजर आ रहा है ना, ये इंटरलॉकिंग सिस्टम है, समझिए, और ये खूबसूरती जो है, और यहाँ पर जो है मकान सारे वास्तु से बने हुए, वास्तु से कैसे हैं, आप बिल्डिंग में घुसो स्टेयर के लेफ्ट में होगा, अभी अपने महल में घुसे ना, लेफ्ट में स्टेयर केस है, तो यहाँ स्टेयर केस जो लेफ्ट में होगा, और पानी और बाथरूम वो राइट में निकलेंगे। तो कहते हैं दावे नाल जीवने खाल, नाल मैंने स्टेयर केस और खाल मैंने खाली नाली पानी की निकासी, इससे परिवार में वंश वृद्धि और संपन्नता आती है। तो मैं जो इंटरलॉकिंग वाली जो बात कर रहा था वो आप यहाँ देखिए कि ये होल बना हुआ है, और ऐसा पत्थर जो है मिसिंग है यहाँ पर, फिट हो जाएगा इसके अंदर फिट, और ये चूना जो है जी। तो जो मैंने आपसे जो बात की इंटरलॉकिंग या मेल फीमेल ट्रेन इस तरीके से, और जैसलमेर के तीन नाम है, जैसलमेर गोल्डन सिटी एंड सिटी ऑफ बालकोनी, ये आप देखिए बालकोनी, मतलब इसका जो फ्रंट टेबलेट है आपको डायमंड लटक नजर आ रहे हैं बिल्कुल, और ये बीच में जो होल बने हुए ना ये प्रॉपर लाइट वेंटिलेशन के लिए, समझिए, ट्रांसपेरेंट भी, और इसको लोकल हम गोखड़ा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गोखड़ा, और हिंदी में झरोखा, झांकना, बाय सिटिंग ओवर देयर यू कैन विटनेस मैनी थिंग्स, समझिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को वी कैन विटनेस, मोर ओवर राइट और लेफ्ट में सिंगल पीस ऑफ स्टोन पर बारीक काम है, अब देखिए कितना इंटीग्रेट वर्क है जी दादा, अगर एक ही गलती हो जाए स्टार्ट विद जीरो अगेन, ऑन आर्च यू कैन सी द स्पैरोज आर देयर, ऑन टॉप यू कैन सी द पीकॉक्स, इस साइड में पैरट्स है, और आपको लगता है तो ग्लू से फेविक्विक से चिपका रखा हो, इट हैज बीन एंग्रेव, तो व्हाट परफेक्शन दे हो, समझिए कितना परफेक्शन है, दैट यू कैन अंडरस्टैंड। अब आगे आइए, अब हम आर्मी में चलेंगे, उससे पहले मैं आपका ध्यान यहाँ चाहूँगा।